एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव 1 फिगर शोज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फिगर सजेस्ट डेट। ओके, तो अपने को ई ए ई बी और ई सी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी और सी के ऊपर वेरिएशन बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा वेरिएशन है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो अपन कैसे देते हैं कि फील्ड लाइन का जो आपका कंसंट्रेशन है वो आपका स्ट्रेंथ बताएगा। अगर फील्ड लाइन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कंसंट्रेशन कम है तो स्ट्रेंथ कम होगा। तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइन, कंसंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक और डायरेक्शन क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो फील्ड लाइन्स दो काम आती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताने के लिए यानी मैग्नीट्यूड बताने के लिए। तो जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा फील्ड लाइंस का वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन देखो और यहां पर कंसंट्रेशन देखो, तो यहां पर भी अगर मैं सर्कल बनाऊं एक पर्टिकुलर रेडियस का तो उसमें तीन लाइन यहां पर भी आ रही और तीन लाइन यहां पर भी आ रही, लेकिन उसी रेडियस का यहां सर्कल बनाऊं तो सिर्फ यहां एक लाइन आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और यहां पर ए और सी पे सेम है, राइट, जो कि ग्रेटर देन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, क्योंकि बी में फील्ड लाइंस एक ही है और यहाँ पे फील्ड लाइंस तीन है और हमें पता है कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए फील्ड लाइंस एक का फील्ड ज्यादा होगा कंपेयर टू बी, क्लियर है। और ए और सी का सेम होगा क्योंकि यहाँ पर भी फील्ड लाइंस तीन है और यहाँ पर भी फील्ड लाइंस सेम, यानी इन दोनों पर सेम कंसंट्रेशन इसलिए दोनों पर सेम फील्ड है और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है इसलिए इसका फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ओके, यानी आंसर क्या होगा, आंसर अपना आ जाएगा सी, राइट, ए इज इक्वल टू, अच्छा ए इज इक्वल टू सी आएगा ना, ए इज इक्वल टू सी विच इज ग्रेटर देन बी, ठीक है सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास क्वेश्चन, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम और मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। सेपरेशन तो चार्ज के बारे में बात कर रहा, तो क्या बोला पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू से डिनोट कर देता हूँ, क्या होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, राइट, सॉरी आर होता है, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होता है। ओके, अब देखो अगर क्यू वन एंड क्यू टू का साइन अगर सेम है, साइन क्या मान लो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, क्या या तो नेगेटिव है दोनों का या फिर दोनों पॉजिटिव है, तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होगा, राइट, पॉजिटिव होगा, यानी आपको पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव होगा। बट अगर साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा माइनस के वन माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, यानी कि ये नेगेटिव आपकी एनर्जी होगी, क्लियर है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी जब दोनों का साइन सेम होगा और दोनों का साइन डिफरेंट होगा तब नेगेटिव एनर्जी आएगी। ओके, तो देखो अब अगर मैं आर को क्या करना है आपको, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज इंक्रीज, अगर आर को मैं इंक्रीज करता हूँ, आर को इंक्रीज करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको इंक्रीज करूंगा तो ये इन्वर्स है तो यू क्या होगा डिक्रीज होगा, तो ये तो डिक्रीज होगा, इसमें क्या होगा ये डिक्रीज होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा अगर मैं आर को इंक्रीज करता हूँ तो ये यू इंक्रीज होगा, ठीक है, कैसे होगा देखो समझो इसको, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये नेगेटिव है, ये तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है तो ये इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा, अब ये कैसे होगा वो समझते हैं। जैसे मान लो इस यू की वैल्यू पहले थी आपकी 5, ठीक है, माइनस 5 थी, ठीक है, फिर आपने क्या किया और आर की वैल्यू थी 1, ठीक है, अब ये के क्यू वन क्यू टू की वैल्यू थी 5 और इसकी थी 1, ठीक है, अब आपने क्या किया आर को बढ़ाया, तो आर को बढ़ाया तो आपने क्या कर दिया इसको, ये तो माइनस 5 है और इसको 2 कर दिया, तो ये कितना हो गया -2.5। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, -5 या -2.5, -2.5 बड़ा है, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन है -2.5, तो आपका एनर्जी क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो देखो इंक्रीज इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो वो डिपेंड करेगा आपके चार्ज कैसे, अगर दोनों सेम चार्ज है तो डिक्रीज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो क्या है इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड अपने पास है, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम और मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो अपने पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो एनर्जी क्या होता है एनर्जी या फिर वर्कडन अपन बोलेंगे तो वो होता है क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल, राइट। ओके, तो ये क्यू इंटू पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, राइट। अब क्या बोले, इफ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो ये अपना वी हायर है और वी आई है वो लोअर है, तो देखो हाई माइनस लो बोला है, तो ये
टर्म क्या होगी, ये टर्म आपकी पॉजिटिव होगी और क्यू तो अपना क्या है पॉजिटिव होगा क्योंकि चार्ज अपने का है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये टर्म डेल्टा वी पॉजिटिव, तो आपका जो एनर्जी है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होगा, तो आंसर क्या आएगा ए आंसर आ जाएगा इंक्रीज। ओके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज आर केप्ट एट अ पॉइंट ए एंड बी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट इज स्टडीड वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, द पोटेंशियल क्या होगा वो बताना, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या इंक्रीज डिक्रीज दोनों होगा, देखते हैं। देखो एक ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और दोनों पे इक्वल चार्ज है पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है। अब इन दोनों के डिस्टेंस मान लेते हैं अपन डी है, क्या डिस्टेंस है डी डिस्टेंस है। अब आप यहाँ से ए से बी जा रहे हो और पोटेंशियल मेजर करते जा रहे हो, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा ये आपको बताना है। तो मेरे को पता है कि यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ए से मान लो ये एक्स डिस्टेंस लेता हूँ, मैं एक्स डिस्टेंस लेता हूँ तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये मैंने एक्स डिस्टेंस लिया, एक्स इस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ तो ये आपका डी माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूँ तो क्यों इस ए की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट मान लो पी पॉइंट लेता हूँ, पोटेंशियल एट पी पॉइंट निकाल रहा हूँ तो इस क्यू की वजह से होगा के क्यू बाई एक्स और इस क्यू की वजह से होगा के क्यू बाई डी माइनस एक्स, यानी इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा के क्यू ऊपर आ जाएगा d और नीचे आ जाएगा x d माइनस एक्स, राइट। ये आपको पोटेंशियल है। अब आपको क्या करना है, ये x का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो, डबल डिफ्रेंशिएट करके देखो तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है या मिनिमम कहाँ आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। क्या करना है, इसका डबल डिफ्रेंशिएट करना है जिससे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम कहाँ आ रहा है मिनिमम कहाँ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे के क्यू और डी तो कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये आपका पोटेंशियल है वो के क्यू डी और ये वेरिएबल है उसको यहाँ लिख देता हूँ d माइनस एक्स, राइट। ओके तो इस ये आपका बन रहा है u बाई वी वाला फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन का u बाई वी वाला फॉर्मूला बन रहा है जहाँ पे u कौन है 1 और v कौन है x d माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास रिजल्ट आएगा x d माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस क्या आएगा x तो d माइनस टू एक्स, सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। ओके ये अपने पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, और ये के इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और ये के क्यू डी तो आएगा ही, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी डी वी बाई डी एक्स आया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक्स की वैल्यू क्या है, इसको मैं जीरो पुट कर देता हूँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन को, एक्स इजिकल टू क्या आ गया मेरा डी बाई टू आ गया। अगर डी बाई टू मैं यहाँ पुट करता हूँ यहाँ पे आपकी वी पी में, तो इसमें अगर डी बाई टू पुट करते हो तो क्या आता है, डी बाई टू पुट करते हैं तो आपका क्या आएगा, डी बाई टू पुट करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव, राइट, यानी कि ये मिनिमम होगा कहाँ पे, एक्स डी बाई टू पे पर, यानी कि अगर आप एक्स और पोटेंशियल का डिस्टेंस का और पोटेंशियल का ग्राफ बनाओगे तो जो डी बाई टू है, डी बाई टू यानी ये जो डिस्टेंस का हाफ है वहाँ पे मिनिमम होगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे जीरो पे, यानी यहाँ पे इन्फाइनाइट होगा और यहाँ पे ये अपना क्या है डी है, डी पे और जीरो पे इन्फाइनाइट होगा, बाकी डी बाई टू पे क्या होगा मिनिमम होगा, तो क्या होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा इंक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज, तो स्टार्टिंग से ए से मिड पे जाएंगे तब तक इंक्रीज और मिड से वापस बी पे जाएंगे, सॉरी ए से मिड डिक्रीज और मिड से बी इंक्रीज, तो अपना क्या आएगा डिक्रीज देन इंक्रीज, यानी डी ऑप्शन सही होगा अपना, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन फाइव क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अ स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द ओरिजिन कटिंग एक्सिस ए बी सी डी हैविंग कोऑर्डिनेट ए कोमा जीरो जीरो कोमा या माइनस ए जीरो जीरो माइनस ए आउट ऑफ द पॉइंट पेरिफेरी ऑफ द सर्कल द पोटेंशियल इज मिनिमम एट। ओके तो देखो यहाँ पे ये मान लो अपना कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, और ये अपना छोटा सा सर्कल है जहाँ पर ए कोमा जीरो और ये जीरो कोमा ए, ये आपका माइनस ए कोमा जीरो और ये जीरो कोमा माइनस ए, ठीक है, ये अपना ए बी सी डी पॉइंट है, ए बी सी डी ये अपना पॉइंट है। ओके अब अपने क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये बताओ कि चार्ज कहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तब आया जब चार्ज होगा, राइट। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन इज अलोंग एक्स एक्सिस
तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से डेवलप होता है, और यहाँ से कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे अपने पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को मान लो भूल ही देते हैं, यहाँ इन्फानाइट पे है नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ कहीं पे है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब हमें क्या पूछा है कि पोटेंशियल कहाँ पे मिनिमम है या मैक्सिमम है, क्या पूछा है? स्मॉल डोन इट पोटेंशियल मिनिमम है, मिनिमम कहाँ पे ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे चार्ज मान लो क्यू है आपका, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, राइट, ये होता है ना, के क्यू बाई आर होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे आपका आर जितना ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो अब देखो यहाँ से कौन सबसे दूर है, बी दूर है या डी दूर है या सी दूर है या ए दूर है, तो जितना जो ज़्यादा दूर है वहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम। तो अपना ए जो है वो ज़्यादा दूर है, ए जो पॉइंट है वो ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, यानी एट ए आर इज मैक्सिमम, आर आपका मैक्सिमम है। अगर आर मैक्सिमम है तो पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम होगा, पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा ए। ओके, सिक्स देखते हैं, इफ ए बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट इट्स वेट रिमेन। ओके, तो किसी बॉडी को अगर आप रब करते हो तो रब करने से क्या होगा, रब करने से हीट डेवलप होगा, हीट डेवलप होने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो भागेगा। अब मेरे हाथ से इलेक्ट्रॉन निकल के या तो पेंसिल में जाएगा या पेंसिल से इलेक्ट्रॉन निकल के मेरे हाथ में आएगा। तो देखो मान लो पेंसिल से इलेक्ट्रॉन निकला, पेंसिल से इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हुआ, इसका मास कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो होता ही 10^-31 kg मास होता है, तो मास तो होगा ही, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट। अब मान लो मेरे हाथ से इलेक्ट्रॉन निकला तो पेंसिल के अंदर गया, तो पेंसिल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पेंसिल का मास बढ़ेगा, पेंसिल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पेंसिल का मास कम होगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज होगा यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब इसका मास घटेगा, जब ये नेगेटिव चार्ज होगा यानी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो इसका मास बढ़ेगा। तो आंसर आएगा मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, स्लाइटली इंपॉर्टेंट है यानी कम ही चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। ओके, तो देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डाइपोल कैसे भी रखो, मान लो मैं ऐसे रखता हूँ डाइपोल, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के ऊपर फोर्स एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई होगा, राइट, और नेगेटिव के ऊपर फोर्स इस तरफ होगा क्यू इंटू ई। फोर्स दोनों इक्वल है क्योंकि चार्ज इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, चार्ज इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो। टॉर्क होगा लेकिन नेट फोर्स तो जीरो होगा, भले आप इस डायपोल को ऐसे रख दो, ऐसे रखेंगे तो भी एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, यानी ये ऑलवेज जीरो होगा। सेवन का आंसर क्या आएगा, सेवन का आंसर अपना ए आएगा। ओके, एट देखते हैं, एट में क्या बोल रहा है, कंसिडर सिचुएशन ऑफ फिगर, ये अपने फिगर दे रखा है, द वर्क डन इन ट्रेसिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पी टू ए इज डब्ल्यू ए एंड फ्रॉम पी टू बी इज डब्ल्यू बी एंड पी टू सी इज डब्ल्यू सी। तो पी से एक चार्ज को हम लेके आ रहे हैं ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर, तो वर्क डन ए पे लाते हैं डब्ल्यू ए, बी पे लाते हैं डब्ल्यू बी और सी पे लाते हैं डब्ल्यू सी। तो वर्क डन का रिलेशन क्या है ये अपने फाइंड करना है। तो अपने को ये जो ए बी सी पॉइंट है उनको देखते हैं, ये चार्ज ए रख रख ए चार्ज क्यों रख रखा है। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन होता है चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर आएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, अगर अपन ए पे लेके जाते हैं तो ए माइनस पोटेंशियल पी आएगा, राइट। अगर ये आपका वर्क डन ए आएगा, वर्क डन बी क्या आएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल पी, वर्क डन सी क्या आएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल सी माइनस पोटेंशियल पी। अब मेरे को पता है कि ये आपका चार्ज क्यू है, अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे बी ए बी सी पे पोटेंशियल निकालूँ इस चार्ज के, ये आपका चार्ज मान लो क्यू डेस ले लेते हैं ताकि ये अपना सही रहेगा, यहाँ से अपन क्यू डेस चार्ज लेके जा रहे हैं, तो इस क्यू की वजह से ए बी सी पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी होगा, कितना होगा, के क्यू बाई ये जो आर डिस्टेंस होगा उतना होगा, क्योंकि तीनों पे आर डिस्टेंस सेम है यानी तीनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, तीनों पे पोटेंशियल सेम है यानी वी ए वी बी वी बी वी सी सेम है और वी पी वी पी सेम है, क्यू डैश सेम है, तो तीनों वर्क डन क्या होगा, तीनों वर्क डन सेम होगा, यानी आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। ओके, नाइन्थ देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज रोटेटेड अलोंग अ सर्कल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रोटेटिंग द चार्ज इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। ओके, तो यहाँ से अपन मान लो ये सेंटर लेते हैं जहाँ पे क्या बोल रहा है,
a point charge Q rotated in a circle and the electric field generated by another point charge Q, the work done. क्वेश्चन समझना थोड़ा देखो, मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब अपन ने क्या किया कि एक क्यू चार्ज है, इसको रोटेट करवाया, यहाँ से अपन ने रोटेट करवाया, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा एक कंप्लीट सर्कल में, ये अपने से पूछा है। तो देखो इस चार्ज को मैं यहाँ से लेके आया और यहाँ वापस लेके आ गया, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। अब आप इस पॉइंट से गए और वापस इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है, तो आपका पोटेंशियल में चेंज क्या है, देखो पोटेंशियल में चेंज तो जीरो आया ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से लिया, आप अगर दूसरा भी बना दो, मान लो ये कैपिटल क्यू चार्ज है और आप ऐसे बना दो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही और आपने रोटेट किया क्यू चार्ज को इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे रोटेट किया, ठीक है, अब थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं इसको वापस रोटेट करके यहीं पे लेके आ जाता हूँ, तो अभी चेंज इन पोटेंशियल क्या था, चेंज इन पोटेंशियल जीरो आता है, यहाँ पर भी चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा, यहाँ पे तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, बट यहाँ पे तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंट है, यहाँ पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंट है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर वापस एक पॉइंट पर तो पोटेंशियल सेम ही होगा ना, यानी वापस इस पॉइंट पर आ जाएगा पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो, यानी वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। इन दोनों केस में वर्क डन जाएगा, इसमें तो हर पॉइंट पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो होगा, इसमें यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो पोटेंशियल जीरो होगा। और रोटेशन में क्या हो रहा है, वन कंप्लीट रोटेशन में वो वापस उस पॉइंट पे आ रहा है, यानी चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल पोजिशन पर डिपेंड करता है और पोजिशन चेंज नहीं हुई है, राइट, तो अपना वर्क डन जीरो, ए आंसर आएगा।